सरकार, बच्चों का क्यों कर रहे हो भविष्य खराब? क्या भागलपुर के शिक्षा विभाग के बाबू जोकर हैं? तो उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या क्या जरूरी है। अब भागलपुर के इस स्कूल को ही देख लीजिए। यहाँ ब्लैक बोर्ड की जगह लोहे के दरवाजे पर शिक्षक लिखते हैं, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। अभी 7-8 टीचर जैसे हैं, 7 टीचर हैं, तो उनको अलग अलग बच्चा कमरा चाहिए, कमरे की कमी है यहाँ, तो इसीलिए बरामदा में बैठा रहे हैं। और वहाँ पर बोर्ड नहीं है, आएगा पैसा तो हम लोग वो क्या होता है वो लकड़ी स्टैंड वाला बोर्ड खरीद लेंगे। तो अभी कैसे पढ़ाते हैं? अभी तो वो पढ़ा रही है मैडम, क्लास रहता कभी दो, अभी बच्चा अधिक है तो अलग बैठाते हैं, कम रहता तो एक में भी बैठा तो पढ़ाते हैं ज्वाइंट क्लास। ब्लैक बोर्ड के जगह दरवाजे पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो वहाँ पर साधन नहीं है ना, वहाँ पर कैसे लिखेगा? सामने में कमरा खाली है, कमरा वो खाली है नहीं, वहाँ चूँकि खाली है, बोर्ड है अंदर में, लेकिन वहाँ आलू ये सब रखा हुआ और वहाँ फैन नहीं है गर्मी के कारण, और वहाँ बैठ जाता है बच्चा कि अंदर में गर्मी लगता है। मैडम आपको हम खोल के भी दिशा दिखा, वहाँ बोर्ड है अंदर में, गोदाम है, लेकिन वहाँ MDM का भी सामान रहता है, आलू है पसरा हुआ, तो बच्चा वहाँ बैठता ही नहीं है, वहाँ फैन नहीं है, क्लासरूम सब में फैन है, बाहर में भी हवा है, प्राकृतिक हवा है, तो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। कमरे की कमी से बहुत जगह होता है बरामदे में पढ़ाई, तो बोर्ड के जगह तो बोर्ड आएगा फंड तब ना होगा उसका व्यवस्था, अभी हो रहा है, पहले क्लास में ही होता था, अभी हो रहा है बाहर बैठ रहा है, इसलिए दरवाजे पर। अच्छा, दूसरी दरवाजा तो वो मैडम लोग का जब समझाने के लिए, बच्चा तो कॉपी में, छोटा क्लास का बच्चा कॉपी में भी बता रही है। अच्छा, और दूसरी मैम ये कह रहे हैं कि कितना कमरा है यहाँ और कितने बच्चे नामांकित, बताए ना उनको, तो 381 है अभी बच्चा टोटल एडमिशन, और आज 69 बच्चा है, और बच्चे की अधिकता होने के कारण वहाँ बच्चा बैठ कर पढ़ रहा है बरामदा। अच्छा, कमरा की है यहाँ एक दो थो, तो वहाँ पर वो हो रहा है गोदाम। कौन से क्लास के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? वो 4 का बच्चा वहाँ सेट जर्जर पड़ा हुआ है। हाँ, ये 2 साल से टूटा हुआ, कोरोना के पहले से टूटा हुआ है, मैंने कई बार लिख कर इनका रसोई घर का फोटो खींच के दिया है विभाग में कि फंड दिया जाए इसके लिए, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि अभी ऊपर से कोई फंड नहीं है इसके लिए, तो विकास राशि आती थी पहले फरवरी मार्च में आ जाता था, इस बार अभी तक नहीं आया है, तो जिसके कारण वो काम पड़ा हुआ है। अब गैस के जगह चूल्हे पर भोजन, हाँ तो गैस है तो पहले रसोई घर ठीक होगा तब ना वहाँ गैस जलाएंगे, गैस जलाएंगे सारा चोरी के डर से सारा बर्तन अभी ऑफिस में रखते हैं धोकर, अब वहाँ छोड़ देंगे कोई ले सकता है ना सिलेंडर, रात को ऊपर से खुला हुआ कोई घुस के ले सकता है, वहाँ जैसे स्टोर रूम में तो रखा ही जा सकता है, जैसे वो गैस तो उठा कैसे उठाएगी सिलेंडर और चूल्हा रोज यहाँ करेगी ऑफिस में, इसलिए हाँ अभी फिलहाल उसी पर चल रहा है। कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय साहूपाड़ा का ये नजारा है, बच्चों को ब्लैक बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जाता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। कक्षा 4 के बच्चे बरामदे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के स्थान पर शिक्षक कमरे के दरवाजे में लिखकर समझा रहे हैं। कक्षा 4 में 54 छात्र नामांकित है, जो छात्र पहुंचे वो सभी बरामदे पर बूट का बोरा बिछा उस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कक्षा 4 के लिए कमरा नहीं है, इस स्कूल के गलत मैनेजमेंट के कारण सभी छात्र बरामदे पर बैठकर पढ़ते हैं। कक्षा 4 के कमरे को स्टोर रूम बना दिया गया है। इस विद्यालय में करीब 380 छात्र नामांकित है। वहाँ पे ना गरम लगा कहा था, स्टोर रूम में भाई रहने में क्या कहा, यहाँ पे बैठना, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है तो कैसे पढ़ाता है, के बार में लिख के देता है उसी से हम सोचता है, दरवाजे में लिख के देता है। ऐसा कब से कर रहा है? एक महीना से। तुमको उसमें दिखाई पड़ता है? कोई समस्या नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे तो सब कुछ लिखा था। ब्लैक बोर्ड वही है? हाँ। मतलब दरवाजा ब्लैक बोर्ड है। कब से ऐसा हो रहा है? एक महीने से। बहरहाल तस्वीर पानी की तरह साफ है कि किस तरह से नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कहीं विश्वविद्यालय नहीं तो कहीं बेंच नहीं, कहीं विश्वविद्यालय है तो ब्लैक बोर्ड नहीं। जरूरत है ऐसे विद्यालयों में बेहतर संसाधन मुहैया कराने की और नौनिहालों के भविष्य को संवारने की। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।